गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू निक्स ट्री ब्लॉग्स। और मेरा गला खराब हो गया बिल्कुल, इसकी बैंड बज गई है। जबकि मैंने कल दवाई ली थी, पर फिर भी पता नहीं क्यों, मतलब जुकाम और गला ठीक है पर आवाज़ ऐसी आ रही है। तो सुबह के बज रहे हैं 11:40। यहाँ पे मैं 11 या 11:15 के आसपास आ गई थी। और आज हमें जाना था सदर मार्केट में, सदर बाजार में प्लांटर्स वगैरह लेने। तो मम्मी ने बोला था कि भाई मेरे को भी जाना है राखी वगैरह लेने, बट उससे पहले ना एक ड्रिलिंग वाला काम रहता था। वो हम कर्टेंस लेके आए थे ना, वो लगाने थे, एंड वो कैबिनेट लेके आए थे बाथरूम वाला सामान रखने का जो कल दिखाया था, वो लगाना था। तो पापा और काकू वो कर रहे थे, फिर काकू को टाइम नहीं लगा तो मैं आज पैदल चल के आ गई। तो कर्टेंस तो लग गए हैं, लेकिन टाइल हमारी थोड़ी मोटी है ना, तो उसमें वो कैबिनेट लगने में, मतलब वो जो ड्रिलिंग कर रहे हैं ना, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। ये इतनी शार्प नहीं आगे की जो बिट बोलते हैं ना ड्रिलिंग वाली। तो काकू अब न्यू लेने के लिए जा रहे हैं, बहुत देर से सुबह से लगा हुआ है काम करने में। और इसके बाद हमें सदर भी जाना है, और अभी तक हमने कुछ खाया भी नहीं है। से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस। तो काकू अभी बिट लेने के लिए जा रहे हैं, न्यू वाली ड्रिलिंग मशीन हाथ में लेके। उसके बाद देखते हैं फिर किस टाइम सदर के लिए निकल पाएंगे। मम्मी सुबह से तैयार होके बैठी है, लेकिन हम जा नहीं पा रहे क्योंकि एक काम रह गया हमारा थोड़ा सा। An hour later. दिन के बज रहे हैं एक, गाइस निकल गया, सुबह बोलने वाली थी मैं, दिन के बज रहे हैं एक। और ना अभी ऊपर क्या काम करवा रहे थे, फ्रेम वगैरह का काम होने के बाद ना डायरेक्ट प्लम्बर अंकल भी आ गए, तो उनका भी बहुत सारा काम हो गया था, तो उसमें डिले हो गया। और बाए नीचे और खाने में बना है तोरी और रोटी, और हम सब वेट कर रहे हैं कब जाएंगे सदर, और लग रहा है आज जा नहीं पाएंगे। जाएंगे। क्योंकि एक यहीं पे बच गया, तो पता नहीं अब जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, जैसे भी होगा। खाना खा के तैयार होकर देखते हैं, जाना हमें मेट्रो में है, किस टाइम तक पहुंचेंगे, और भीड़ वगैरह भी होती है ना वहाँ पे, इसलिए एक बार जल्दी से खाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। गाइस फाइनली जा रहे हैं हम सदर। एक बार को तो प्लान कैंसिल हो गया था कि नहीं जा रहे क्योंकि बहुत लेट हो गया था, बट रेडी वेडी होके अब जल्दी से आ गए। सबसे पहले कार्ड में रिचार्ज कराया और अब जा रहे हैं क्लिप्स से बाहर, जल्दी से वीडियो देखने को मिले। कार्ड में इसलिए रिचार्ज कराया ताकि जल्दी से वीडियो देखने को मिले। आज इसलिए जा रहे हैं, वरना आज लेट हो गए थे तो हम अगले दिन जाते। अब प्लेटफॉर्म पे आ गए, इंदलोक वाली मेट्रो का वेट करना है, उसके बाद फिर जाएंगे। मैं पहली बार ही जा रही हूँ सदर बाजार, मम्मी तो जाती रहती है, मैं पहली बार जा रही हूँ। आप गए हो पहले? मैं पहली बार जा रही हूँ, चलते हैं मार्केट में। हम आ गए हैं कश्मीरी गेट, और ये पता है ये ग्राउंड फ्लोर है आई गेस, और इसके बाद हमें अंडरग्राउंड और नीचे जाना है। और इसके बाद 2-3 स्टेशन बाद ही आएगा ना चावड़ी बाजार, वहां पे से फिर हम लेंगे सदर के लिए ऑटो। ये देखो कितना बड़ा है और बहुत क्राउड होता है यहाँ पे, ये देखो कितनी नीचे जा रहे हो। गलती से फोन हाथ से छूट गया तो काम ही हो जाएगा। आप यही बोलना है ना, फोन हाथ से छूट गया तो क्यों छोड़ो, जबरदस्ती छोड़ो। इसमें नहीं दिखता देखो, ऐसे करके किसी अंधेरी जगह पे से निकल के ऐसे आ रहे लाइट वाली में, ऐसा लग रहा है। ये मोटर देखो, ओए हवा देखो कैसी लग रही है, बारिश का मौसम हो रहा ऊपर देखो। ये बैठ गए हम रिक्शे में, अरे सदर घूमने जा रहा नहीं, ये मार्केट है पूरी, सदर सदर की नहीं है, चावड़ी बाजार की मार्केट है ये रे पूरी। क्राउडेड तो आई, पुरानी दिल्ली का सारा एरिया क्राउडेड है। हम आ गए हैं मेन सदर मार्केट में, देखो यहाँ राखियाँ। क्या हो गया आपको, नाक ढक के बैठे हो तब से? हर किसी की हैबिट नहीं होती ना इतने क्राउडेड प्लेस में जाने की। ये देखो पूरी में जाम लग रहा, पूरी मार्केट खचाखच भरी हुई है। पीछे एक अंकल कह रहे हैं हाँ भीड़ लग रही है बहुत। आ जाओ भैया 15 वाला कर दिया, 12 है। मम्मी गई अभी फर्स्ट शॉप पे माला वगैरह देखने, और यहाँ पे ना हर जगह फर्स्ट शॉप पे माला देखने, धीरे धीरे बोल रहे हो। और यहाँ पे ना सारे में राखी वाखी टंगी हुई है क्योंकि राखी का फेस्टिवल है ना, और यार भीड़ आप देखो कितनी ज्यादा क्राउडेड, कचाकच भरी पड़ी है, मतलब उस भीड़ में से हम निकल के आए, इतना स्टक हुए पड़े लोग आपस में। हमें एक फ्लावर शॉप दिखी है जहाँ पे हम जाने की सोच रहे हैं, चले ऐसे हमें प्लांट देखने थे, हमने उस बाहर वाली शॉप पे पूछा तो वो अपनी अंदर वाली शॉप पे लेके आए हैं गलियों में। पता नहीं हम अंधेरे में कहाँ जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ लेके आए हैं। ये आर्टिफिशियल पाम ट्री, गली से आया पता नहीं किन किन दुकानों में, गलियों में वो भैया लेके गए थे प्लांट्स दिखाने के लिए, और मम्मी यहाँ पे अभी झूला देख रही हैं कानू के लिए, और हमारी हालत इतनी देर में ही खराब हो गई। व्हाट आई फील इज मैं अपने एरिया में 10 रुपए फालतू दे सकती हूँ, यहाँ नहीं आ सकती, हर किसी के बस के नहीं है यहाँ पे आना, मैं नहीं आ सकती।
आई रियली डोंट हैव एनीथिंग टू से, और यहाँ मैं कुछ बोल भी नहीं सकती, इतने लोग मेरे आसपास है, तो देखेंगे घर जाके बताऊंगी जो जो मैंने फील किया। मम्मी बाय द वे यहाँ पे राखी वाखी देख रही है, एक जगह से ले ली थी अब दूसरी जगह पे यहाँ पे देख रही है। आप भी देख लो कलेक्शन, अगर आपको सदर आना है तो सोच समझ के आना। भीड़ देख के आना, फोटो जैसे हो तो बिल्कुल ही सोच समझ के आना। इतनी सी मार्केट में देखो कहाँ कहाँ दुकान है, छोटी छोटी मतलब इतनी सी भी कोई जगह है ना, वहाँ पे भी दुकान भरी है, लोग खड़े हैं। हमारे मतलब का सामान यहाँ मिल ही नहीं रहा, जो हमें लेना था वो भी नहीं मिल रहा है यहाँ। मतलब मैं भी मिल भी रहा हूँ लेकिन हमें ये नहीं पता एग्जैक्टली लेना कहाँ से है। हम ना थोड़ा ऊपर आ गया, फिर नीचे की भीड़ ये देखो, नहीं काकू आज तो आ गया, नेक्स्ट टाइम नहीं आऊंगा कभी भी यहाँ पे। सही में मैं आ ही नहीं सकती इतनी भीड़ वाली जगह पे, मेरे को चांदनी चौक ही बहुत ज्यादा लगता था। हाँ लड्डू गोपाल जी तो अच्छे लग रहे हैं, मैं आ ही नहीं सकती इतनी भीड़ में, मेरे को चांदनी चौक ज्यादा भरा भरा लगता था, और ये तो उसका भी डबल ट्रिपल है। नहीं भाई चाहे कितना ही कुछ कलेक्शन हो यहाँ पे, अपने वहाँ से 10-20 रुपए महंगा ले सकती हूँ, लेकिन मेरा ऐसा है कि मैं नहीं आ सकती। कई लोग आ पाते हैं लेकिन मैं नहीं आ पाती। तो काकू ने अभी क्या ढूंढा? मास्टर शेफ राखी, ये प्यूमा राखी, काती प्यूमा राखी ब्रो वाली है, वो मास्टर शेफ है। किससे बंधवाओगे मास्टर शेफ वाली? मम्मी को ना ये वाली राखी पसंद आई, दिखाना ये वाली, सुंदर लग रही है। वो ले ब्लर करना पड़ेगा, पहले ही दिख जाएगा इन तो व्लॉग में आप किसको बांधने वाले हो, कौन सी राखी है ना। अभी राधे कृष्णा वाली भी थी, कहाँ गई? वो भी बड़ी सुंदर लग रही है, ये सुंदर। हाथ हटाओ, राधे कृष्णा वाली राखी। काफी सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, और खिलौनों विलौनों की तो मिलती रहती है, वो भी है। हम ना इस रास्ते से यहाँ से सीधा आए थे, और यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि ये पूरा ना जो ये फ्लावर वगैरह का, और आती हमें ये दिखे, देखो कितने प्यारे प्यारे से है ना, ये 100 रुपए के चार है, और बाहर से अगर लेते ना तो ये 100-100 का एक पीस मिलता, तो ये मेरे को जेन्युइनली अच्छे लगे। और एक ये वाला पीस भी मम्मी ने लिया घर के लिए, तो शू वाला जो कैबिनेट है ना उसके ऊपर रखने के लिए, तो ये भी बड़ा सुंदर है, पर 250 का है, वो कम नहीं कर रहा पर बहुत सुंदर है। ये वाले तो मेरे को जेन्युइनली काफी अच्छे लगे। तो देखो बार्गेनिंग करते हुए मम्मी को और काकू को देखो। बहुत देर से हम घूम रहे हैं प्लांट्स लेने के लिए, बट जो हमें चाहिए वो नहीं मिल रहा। किसी शॉप पे कुछ दिखा रहे हैं, किसी पे कुछ दिखा रहे हैं, और हम बहुत ज्यादा थक चुके हैं। ये है पूरी मार्केट देख लो, और इतनी कंजेस्टेड मार्केट है ना, मैं ऐसे तो रहा भी नहीं जाता मतलब। तो काकू अभी यहाँ पे इस शॉप पे टिक्की और दही बल्ले वगैरह कुछ कुछ खा रहा है क्योंकि भूख लग रही है। मम्मी दही बल्ले ले रही है, देखते आगे कहीं कुछ मिलता है तो, वरना तो फिर सोच रहे हैं घर ही जाएं। मैं तो थक गई हूँ, मेरे से वो ट्रैवल नहीं हो सकता यार। दही बल्ले लिए, खा के बताओ कैसे, आप बताओ। हेलो बताओ कैसे, सही है? खा लो आप भी, काकू का जस्ट अभी फोन आ गया, काकू खाने वाला था दही बल्ले। और क्या लिया है? टिक्की भी ली है क्या? और क्या लिया आपने? टिक्की ली है, ले लो टिक्की में। दो प्लेट, एक ही लगा लो। अच्छा बात, काकू ने ली टिक्की और कांजी वड़ा, और यहाँ पे 30 रुपए का, चांदनी चौक में 60-70 का लिया था हमने, है ना। और टेस्ट भी इसका अच्छा है उससे। पी के बताओ कैसा है? बढ़िया है। और टिक्की भी कुछ अलग तरीके से प्रेजेंट करके दी है। एक और प्लेट टिक्की आ गई, रुको लेती हूँ, ले ले ले। दो प्लेट टिक्की ली थी हमने, रुको फोन रख देती हूँ वरना खाओगे कैसे। पसीने कितने आ गए। ये ना ये टिक्की काफी टेस्टी है, गर्मा गर्म लग रही है मेरे गले में। मना क्यों करेगा, बहुत अच्छी है। हमें ना बताओ, बट ये काफी फेमस शॉप होगी, पक्की बात है। नाम देख लो, हाँ राम दही बल्ले की शॉप जो है हमेशा फेमस ही होती है। ये राम अवतार हलवाई ये वाली शॉप है, तो हमने सुना नहीं था बट बहुत टेस्टी है। दो बनाने, दो खा के आने के बाद हम ना इस लाइन में आ गए थे, तो हमें पता नहीं एग्जैक्टली इस लाइन में क्या था, तो देखा यहाँ पे ना जो भी कॉस्मेटिक का सामान है वो है, तो मम्मी वहाँ पे अपनी नेल पेंट ले लिए, मैं यहाँ बीच में खड़ी, और काकू इतना थक गया कि वो यहाँ जाके बैठ गया।
फाइनली मम्मी आ गई फ्री होके। बचपन की याद आ गई, ऐसे मम्मी के साथ जाते थे ना बाजार में सब्जी लेने के लिए, मम्मी कहीं कहीं कुछ कुछ लेती थी तो हम जगह जगह रुक रुक के बैठ जाते थे। आज वही हो रहा है, इतने टाइम बाद हम पेरेंट्स के साथ आए, वरना हम अकेले ही आते थे, तो आज सेम वही वाली चीज हो। अभी यहाँ पे रुके ना, हम ये कॉम देख रहे थे, बड़े प्यारे प्यारे से कलेक्शन, और सिर्फ 20 रुपए का ही है, 20 का एक है। सही है यार, ये तो बड़े प्यारे प्यारे लग रहे हैं। 2-3 ले लो, 50 के 3 बता रहे हैं, 2-3 ले लो। मैं थक के बैठ गई यहाँ, काकू बैठा है, देखो सिर दिख रहा होगा काकू का बस थोड़ा सा, ये रहा काकू बैठा है यहाँ, और मम्मी ले रही है ये सामान यहाँ पे, राखी वगैरह का माला और ये सारा सामान, और हम दोनों थक गए हैं। घर के लिए निकल रहे थे, हमें सामान नहीं लेना था, लेकिन एकदम से हमें ये शॉप दिखी, और यहाँ पे काफी प्यारा कलेक्शन है, और जो हमें चाहिए था ना ऐसे में बड़े में चाहिए था, कहाँ गया ये वाला, ताकि इसमें प्लांट रखे काफी बड़े में, वो वहाँ पे देखो ये रहा, ये भी मिल गया यहाँ पे। ओ बड़ी खुशी हो रही है, और बहुत प्यारा कलेक्शन है यार। लास्ट शॉप पे जो हमने दिखाया था ना आपको कि जो हमें चाहिए था वो मिल गया, लेकिन वो ना 2 चाहिए थे हमें सेम साइज में, बट वो मिले नहीं थे, इस वजह से वहाँ पे काफ़ी देर बैठे भी और मिल भी नहीं पाया, और बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो अब ऑटो में बैठ के जा रहे हैं हम तीनों घर की साइड, मेट्रो लेने की हिम्मत नहीं थी तो सोचा ऑटो में डायरेक्टली बैठ के जाते हैं, तो अब जा रहे हैं सीधा घर। सदर बाजार से तो हम आ गए मम्मी को घर छोड़ के, अब ना गलती से बोल दिया, अब दोबारा से मार्केट में आए क्योंकि आज पात का बर्थडे और घर जाने में ऑलरेडी लेट हो रहा है, तो उसके लिए कपड़े देखने के लिए आए थे, जल्दी से लेके चले घर पे। फोन आ रहे केक काटना है, आ जा कहाँ रह गई, और मेरे को मैं बिना लिए कैसे जाऊँ, तो यहाँ पे आए हैं कुछ सामान लेने, अगर मिल जाता है तो होपफुली मिल जाए एक ही शॉप पे। फाइनली एक ड्रेस जाके पसंद आई है, दिखाऊं मैं, ये है काकू ने पसंद किया है, ये पूरा सेट है, और इसके अंदर जीन्स भी है इसकी, ये ब्लू कलर की ये जीन्स है, थैंक यू। चलें अब जल्दी से घर पे, बहुत लेट हो रहा है, थक गए हैं, चलो चलो जल्दी 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 भागो 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 भागो। कई सामान ले लिए अब जल्दी से घर पे जा रहे हैं, तो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए काकू, तब तक के लिए सी यू टाटा बाय, थक गया काकू, सी यू टाटा बाय बाय, थक के आवाज में बोल रहा है सी यू टाटा।